अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, आज हम अपनी इस वाली मुर्गी को अंडों पर बिठा रहे हैं, और दोस्तों इस अंडों पर ही नहीं बिठा रहे बल्कि इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे दोस्तों। इसके नीचे हम बत्तख के और बटेर के अंडे रखेंगे दोस्तों। हमने बटेर तो जीबा कर दी, लेकिन दोस्तों उसी जो हमारी सफेद वाली बटेर अंडे दे रही थी उसके 3 अंडे मेरे पास मौजूद हैं। ये रहे दोस्तों, ये बटेर के अंडे हम इस मुर्गी के नीचे रखेंगे, और दोस्तों इसके नीचे बत्तख के अंडे रखेंगे 4। तो इस चीज से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ की साफ सफाई करके यहाँ पर ये बिछा दूंगा मैं बोरी और अपना तसलिया, जिसके अंदर हम हर दफे बिठाते हैं सेम तरीका। तो दोस्तों जो बत्तख के अंडे हैं वो हम इसके नीचे रखेंगे आज, और दोस्तों बटेर के अंडे भी आज रख देंगे। और दोस्तों बटेर के बच्चे निकल जाएंगे, बटेर के बच्चे 16वें दिन निकल जाते हैं, तो दोस्तों बच्चे निकल जाएंगे तो हम उन्हें अलग कर लेंगे। और दोस्तों जो बत्तख के अंडे हैं, जो दोस्तों मेरी नॉलेज है, जो मैंने रिसर्च करी है, तो वो 28वें दिन 27वें दिन बत्तख के अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम आज बत्तख के अंडे रख रहे हैं और बटेर के, और अब से 7 दिन के या 6 दिन के बाद हम इसके अपने अंडे रख देंगे इसी मुर्गी के। तो दोस्तों फिर सेम डेट पे बत्तख के और मुर्गी के बच्चे निकल जाएंगे, और दोस्तों बटेर के जो है वो पहले निकल जाएंगे, वो 16वें दिन निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये पहले जो निकल जाएंगे तो इन्हें हम अलग कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने पिछली दफे भी निकलवाए थे तो हमारे चकचुंदर या फिर चूहा बटेर के बच्चों खा गया। तो दोस्तों इन्हें हम अब का अलग कर पालेंगे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल यहाँ की जल्दी से साफ सफाई करता हूँ, और तसलिया वसलिया यहाँ रखते हैं और इसे बिठाते हैं अंडों पर। तो दोस्तों फिलहाल बोरी सेट कर दे जिस तरीके से मैं हर बार करता हूँ, और दोस्तों ये रहे हमारे डक के अंडे यानी बत्तख के, ये बत्तख के अंडे हैं। तो इन्हें मैं रखता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़कर, चाहिए 4 अंडे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यार आप भाई दुआ करे बस इनके अंदर से बच्चे निकल जाएं। तो फिलहाल मैं इन्हें 4 को रख दूँ, और दोस्तों बटेर के अंडे ही मैं आज ही रखूंगा और मुर्गी के रखूंगा 6 या 7 दिन के बाद। तो बटेर के अंडे भी ये रखे यहाँ पर 3ों, और दोस्तों ये 3 अंडे हमारी सफेद वाली बटेर के हैं, तो मैं इन्हें भी रख देता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह इसमें से बच्चे निकल जाएंगे। तो अब मैं अपनी मुर्गी को बिठाता हूँ। ये रही हमारी मुर्गी, जाओ भाई जाओ। तो इंशाल्लाह दोस्तों 3 अंडों के अंदर से बच्चे निकाल देगी, और बटेर के अंडों में यार दोस्तों ये चोंच मार रही है सारी, ने तोड़ना थे। तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों इसने ये अंडे तो कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार दोस्तों इस मुर्गी के लिए काफी सारी दुआएं करनी है आप भाइयों ने, कि बत्तख के बच्चे भी निकाल दे, और इसके अंडे जो है वो 4 से 5 दिन से 6 दिन के बाद रख देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।